कांग्रेस का ग्रुप G23 ये लगातार असमंजसों में बना हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे, लेकिन उसमें से एक में भी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई है और ना ही बराबरी की टक्कर दे पाई है। तो इसलिए अब ये असंतुष्ट नजर आ रहा है और इस पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए और किसी नए युवा को यह पद देना चाहिए। और इसी के साथ में कांग्रेस की अंदरून के अंदर अब एक बार फिर कलह देखने को मिल चुकी है। क्या कुछ इस G23 को लेकर के खबरें सामने आई हैं और किस प्रकार की अंदरूनी फूट देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, सिर आप सभी को रूबरू करवा। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 में फूट देखने को मिल रही है। आजाद के डिनर पार्टी से 8 लोगों ने किनारा किया था, 4 नए चेहरे भी शामिल थे, इनमें 2 का कांग्रेस से नाता भी टूट चुका है। बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद में पार्टी का असंतुष्ट खेमा G23 अब सक्रिय है। ये खेमा एक बार फिर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के मुखर में है। हालांकि बात करें तो इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि इस असंतुष्ट खेमे में ही फूट पड़ती हुई दिख रही है। अगस्त 2020 में बने हुए इस गुट में 23 नेता शामिल थे। पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद के घर हुई डिनर पार्टी में इस गुट के कुछ चर्चित चेहरे नदारद भी रहे। G23 से 8 कांग्रेसियों ने खुद को अलग भी कर लिया, जबकि एक नेता जितिन प्रसाद ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। असंतुष्ट खेमे में अब केवल 14 नेता ही बचे हुए हैं। इनमें गुलाम नबी आज़ाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान पूर्व CM रह चुके हैं। इनके अलावा ज़्यादातर नेताओं का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है या फिर अब खत्म भी होने वाला है। बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद के घर बुलाई गई डिनर पार्टी में 4 नेता शामिल हुए, जिनमें उनके 2 का कांग्रेस से नाता टूट चुका है। दिलचस्प बात तो इसमें यह है कि पार्टी नेतृत्व ने प्रवक्ताओं को स्पष्ट किया है कि असंतुष्ट खेमे के नेताओं के खिलाफ में कोई बयान नहीं देना है, जिससे उन्हें बोलने का मौका मिले। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए इंसाइटिंग के साथ। नमस्कार।